हेलो गाइस, आज हम फिर से दुल्हन का सूट कटिंग करेंगे। ये भी शादी वाली लड़की का ही सूट है और बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस सूट के ऊपर। सबसे पहले मैंने एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से फोल्ड कर लिया है और ऊपर से फीरे का निशान 5.5 लेकर और नीचे को 6.5 इंच लेकर निशान लगा लिया है और चेस्ट से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर सीधा सीधा निशान लगा लेना है जितना हमें चाहिए और नीचे लंबाई जितनी है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर वो भी निशान मैंने लगा लिया है और सीधा कट कर लेना है। ये क्रेप का कपड़ा है, बहुत हिलता है, ये बहुत ध्यान से सेट करना पड़ता है इसकी एम्ब्रॉयडरी को। और आगे बाजू पर भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और जितनी हमें बाजू चाहिए उतना हमने फोल्ड कर लेना है कपड़ा लंबाई के हिसाब से। 1 इंच नीचे छोड़ना है, 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेकर लेंथ के अकॉर्डिंग इसे हम कट कर लेंगे दोनों पल्लों को बाजू के। और इसके बाजू के एक साइड के पल्ले की चौड़ाई कम है और आगे 2 जोड़ पड़ेंगे उसके, वो साथ में ही रख के अभी साथ के साथ ही हम कट कर लेंगे बाजू को भी। बाद में उलझ जाता है कपड़ा, फिर पता नहीं लगता ना, साथ में ही कट करके रख लेंगे। और ये कपड़ा बहुत हिलता था इसलिए मैंने ज़्यादा चौक से निशान नहीं लगाए, ऐसे ही थोड़ा सा हाथ लगने पर ही हिल जाता है। और अब बैक साइड का कपड़ा भी मैंने फोल्ड कर लेना है, जितना हमारा फ्रंट का पल्ला है उतने उसी हिसाब से फोल्ड कर लेना है। और अब फ्रंट का पल्ला ऊपर रख के सीधा सीधा सेम वैसे ही कटिंग कर देनी है जैसे फ्रंट का पल्ला है। और इसके ऊपर अस्तर लगेगा और प्लेट्स पड़ेंगे इसलिए ज़्यादा शेप की ज़रूरत नहीं, बस चेस्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर सीधा कट कर देना है और ऊपर 1/2 इंच की तिरछी काट डालकर और आगे वाले मोड़े को डीप कटिंग कर लेना है। और अब सलवार का कपड़ा मैंने फोल्ड करके रख लिया है और 6 इंच फोल्ड कर लेना है, इसके चौड़े पोंछे बनने हैं और लंबाई से जितनी हमारी सलवार की लेंथ है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर और 8 इंच बेल्ट का कम करके लंबाई का निशान लगा लिया है और आगे 2 इंच का निशान लगाकर इधर आसन का 10 इंच लगाकर इधर भी 2 इंच का लगाकर तिरछा निशान लगा लिया है और इसे कट कर देना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसका कोई पैसा नहीं लगता। और छोटे कट लगाकर मैंने ये कपड़ा इधर फोल्ड कर दिया है। ये पल्लों का कपड़ा देखिए जो फोल्ड करा था ना 6 इंच, ये बाहर को निकाल देना है और कुंदों के ऊपर कुंदे रख के 4 कुंदे और ये सांझे पल्ले हो जाते हैं, ऐसे सलवार कट हो जाती है, बहुत बड़ा गहर बन जाता है। ऐसे जोड़ ज़रूरी नहीं होता कि जोड़ डाली जाए तो फिर वो धागे निकलते हैं ना। अब मैंने लास्ट में बेल्ट के लिए भी कपड़ा फोल्ड कर लिया है, जो बैक वाले पल्ले के आगे बचा था कपड़ा वहाँ से बेल्ट आसानी से निकल आएगी और जितनी हमारी हिप है उसे 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर और 8 इंच की बेल्ट मैंने कट कर ली है। प्लीज़